ट में आपका स्वागत है तो आज समझने वाले लाइटनिंग के बारे में तो ये लाइटनिंग क्या है भाई सब इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं। तो लाइटनिंग मींस बिजली का चमकना तो ये बिजली का चमकना क्या है या कितने नुकसानदेह है कैसे होता है कैसा नहीं होता इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं हम तो वीडियो को इंड तक देखें ताकि वीडियो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज वीडियो को इंड तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो लाइटनिंग पढ़ते हैं तो ये लाइटनिंग मींस बिजली का चमकना तो आखिर ये बिजली कैसे चमकता है क्यों चमकता है कितना नुकसानदेह है इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं तो जब क्या होता है कि जब बादल गरजते हैं जब आंधी तूफान और जब बारिशें होती हैं तो क्या होता है ये बहुत मतलब तेज़ एक बिजली चमकता है जिससे क्या होता है वो जमीन तक आ सकता है वो जमीन पे आ जाएगा या फिर पेड़ पे गिर सकता है या फिर किसी इंसान के ऊपर या फिर कोई कार के ऊपर या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे के ऊपर गिर सकता है जिससे बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है तो आखिर ये क्या रीजन है जिसके कारण इतनी मतलब लाइटनिंग uh, होता है इसके कितने वोल्ट होते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे तो लाइटनिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिसके थ्रू लाइटनिंग होता है तो आपको बताते हैं कि लाइटनिंग में कितने वोल्टेज होते हैं तो इसमें तीन मिलियन वोल्टेज क्या होता है आपके ज़मीन पर आ सकते हैं या फिर कोई घर पर गिर सकते हैं या फिर कोई इंसान के ऊपर गिर सकता है या फिर पेड़ों के ऊपर गिर सकता है जिससे बहुत ही नुकसान पहुँचा सकता है तो तीन मिलियन वोल्टेज कम नहीं होता भाई साहब

तो आखिर कैसे बिजली उत्पन्न होता है क्लाउड्स में आसमान में कैसे बिजली उत्पन्न होता है कैसे बनता है जिससे ज़मीन पे उतना वोल्टेज तक आ सकता है तो हम एक इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं तो कितना आपको 120 वोल्ट मतलब जनरेट करने के बाद से डिस्ट्रीब्यूट कर करके उसके बाद से हमारे घरों तक जो बिजली आती है 120 वोल्ट से आपको 220 से 240 वोल्ट तक होता है इसमें तो 300 मिलियन वोल्ट जिसमें इसका एम्पियर के बारे में बताते हैं तो तीस हज़ार एम्पियर होता है इसमें तीस हजार एम्पियर तो इतने वोल्ट तक आते हैं उसके बाद से ही जब गिरेंगे तो क्या हादसे होंगे तो लाइटनिंग के तीन टाइप्स हैं ठीक है तो तीनों टाइप्स के बारे में जानते हैं तो एक होता है सी एक होता है आई एक होता है सी तो सी क्या होता है क्लाउड टू ग्राउंड ये क्या होता है क्लाउड टू ग्राउंड यानी कि सीजी हो गया आईसी इन क्लाउड और सीसी क्लाउड टू क्लाउड ये तीन इसके स्टेप है और इसी तीन स्टेप इस पे क्या होता है बिजली चमकता है या फिर आपको देखो देखिए यहां पे क्लाउड टू क्लाउड तो क्लाउड टू क्लाउड क्या होगा मतलब क्या होगा ये बादल में ही रह जाएंगे ठीक है तो आपको पहले सीजी से शुरू करते हैं तो सीजी क्लाउड टू ग्राउंड तो क्लाउड से ग्राउंड तक कैसे आता है बिजली इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले सीजी के बारे में जानते हैं तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज तो सबसे ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि धनात्मक आवेश होता है उसके निचले स्तर पर यानी कि सेंटर में होता है क्या निगेटिव चार्ज ठीक है फिर से आपको सबसे निचले में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज अब क्या होता है जब हवा चलते हैं थंडर थंडर स्टोम के नाम आप सुने ही होंगे इसके बारे में जानते ही होंगे थंडर स्टोम क्या है तो ये क्या होता है क्लाइमेट का चेंज हो जाना यानी कि वेदर डिस्टर्बेंस वेदर डिस्टर्बेंस जिससे पहले मैंने वीडियो में बना चुका है जो क्लाइमेट का चेंज हो जाना हद से ज़्यादा बारिश हो जाना यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है यानी कि अचानक से बारिश हो जाना मतलब डिस, मतलब आपका जो मौसम है डिस्टर्ब हो जाना ज़्यादा गर्मी पड़ जाना आंधी तूफान आ जाना या फिर बर्फ गिरने लगना ये थंडा में आ जाएगा और थंडर क्लाउड एक होता है थंडर क्लाउड ये भी आपको इसमें आ जाएगा जैसे ओलावृष्टि होने लगना बर्फ का बूंदी बारी या भारी बारिश होना आंधी तूफान आने लगना ये थंडो क्लाउड के रूप में क्या होता है आमतौर से ये जुड़ा हुआ रहता है जो एक चैन के द्वारा जुड़ा होता है एयर टू एयर यानी कि वायु से वायु टू वायु यानी कि एयर टू एयर जो एक चैन के द्वारा जुड़ा रहता है जिससे क्या होता है लाइटनिंग होता है तो अब क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब इसमें हवा आते हैं या फिर छोटी छोटी बूंदें आती हैं जो मतलब शुष्क ड्रॉपलेट आते हैं उसके पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है जब चलते हैं या फिर नमी होती है हवा होती है तो ये क्या होता है पॉजिटिव हो जाते हैं क्या होते हैं धनात्मक हो जाते हैं यानी कि और ऋणात्मक होता है जिससे क्या होता है एक चार्ज उत्पन्न होने लगता है ये अन आयोनाइज हो जाता है आयनित हो, होने लगते हैं जिसके कारण क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है जिससे ये क्या होता है बिजली की चमक होती है उसमें क्या होता है कि आंधी तूफान जब आने लगता है तो बादल गरजने लगता है यानी कि क्लाउड्स जो क्या होता है गजता है जिससे उसके बाद से क्या होता है एक लाइटनिंग निकलता है क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं उसमें ठीक है तो ये हो गया आपको सी जी टू सी जी क्लाउड टू ग्राउंड अब ये क्या होता है ग्राउंड पे आएंगे तो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं अब एक होता है इन क्लाउड आई सी इन क्लाउड जो बादल में ही जैसे कभी कभी आप आसमान में देखते होंगे कि वो क्या होता है कि बादल में ही चमकता है और नीचे नहीं आता है लेकिन बादल में ही हल्का हल्का चमकेगा और वहीं पर वो क्या होता है मतलब वो ब्रेक हो जाता है टूट जाता है उसके बाद से एक होता है सीसी, वो तो सीसी हो गया इन क्लाउड वो एक होता है बादल के अंदर एक हो गया सीसी। तो क्लाउड टू क्लाउड वो बादल में ही केवल हो जाता है तो आपको बता दें कि लाइटनिंग जब आता है तो उसका मेन एक लीडर होता है लाइटनिंग का क्या होगा मेन लीडर होगा वहां से अब क्या होगा जैसे ब्रांच बहुत सारे शाखा होते हैं ब्रांच की तरह मेन लीडर से वहाँ पे क्या होगा ब्रांच की तरफ फैलेगा वो क्या होगा लाइटनिंग चारों तरफ फैलेगा उसके बाद से जमीन पे आएगा इसकी वोल्टेज होगी तीन सौ मिलियन गिरने के बाद से क्या होगा इस और अब आते हैं इसके बारे में इसके टेम्परेचर कितनी होती है तो इसके टेम्परेचर के बारे में जानते हैं तो इसकी रिटर्न स्टॉक चैनल एक होता है जिसमें इसकी टेम्परेचर हो जाता है तीस डिग्री तीस हजार डिग्री सेल्सियस सॉरी तीस हजार डिग्री सेल्सियस इसका होता है जो रिटर्न स्टॉक चैनल होता है तीस हजार डिग्री सेल्सियस अब इसका लीडर स्टॉक जो होता है तीन तीन सौ नहीं सॉरी तीस मिली सेकेंड में जमीन पर आता है ये सेकेंड पर क्या होता है ये लीडर इसका स्ट्रोक होता है तीस मिली सेकेंड में जमीन पर आता है और वापस सौ माइक्रो सेकेंड में क्लाउड तक क्या होता है ये वापस चला जाता है तो ये रीजन होता है जिससे क्या होता है लाइटनिंग होता है तो आपको बता देते हैं कि इससे पहले मैंने पढ़ा चुका था कि थंडर स्टोम क्या होता है कि वेदर प्रॉब्लम यानी कि क्लाइमेट का चेंज हो जाना तो ये कार्य इससे पहले आपको बता देते हैं क्लाउड बस्ट यानी कि जो अमरनाथ यात्रा में जो हुआ था इससे पहले मैंने वीडियो में बना चुका है उसको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक डाल देंगे एक ग्लोबल वार्मिंग एंड एक क्लाउड बस्ट तो इसके इसको वीडियो को देख लेंगे ना तो ये वीडियो बहुत आसान लगेगी तो क्लाउड बस्ट को आपको बता ही दिया था कि बादल का फटना कैसे होता है तो मतलब अचानक से बारिश हो जाना हद से ज़्यादा बारिश हो जाना मतलब एक ही जगह पर तो क्यों हो जाना इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको लिंक में मिलेगा तो उसको देख लीजिएगा क्या होता है कि बादल जब एक हवा क्या होता है एक गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलता है तो ये क्या होता है एक संघनित होने लगता है यानी कंडेंसिंग होने लगता है जिससे अब क्या होता है कि एक जगह वो बादल कहीं रुक जाएंगे जिससे हद से ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो लाइटनिंग से काफ़ी लोग मारे जाते हैं अपने देश में लाइटनिंग से बिजली के चमकने से काफ़ी लोग मारे जाते हैं तो लाइटनिंग थंडर क्लाउड से ही जुड़ा होता है जिसके कारण इतने लाइटनिंग होता है तो आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है लाइटनिंग होता है और उसमें क्या होता है क्योंकि वो आयनाइज हो जाते हैं तो आप समझ गए होंगे तो इससे बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं तो इसके क्या बचाव हो सकती है तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं तो बचाव के लिए क्या करना होगा आपको जैसे लोग तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं चार फ्लोर पाँच फ्लोर बीस फ्लोर बना लेते हैं लेकिन लाइटनिंग का अपना कोई सिस्टम नहीं बना पाते हैं बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिससे आप लाइटनिंग से बच सकते हैं ये किसी को नहीं छोड़ सकता है घर पे गिर सकता है पेड़ पे गिर सकता है जैसे पेड़ पे गिरता है तो आग क्यों लग सकता है इसके बारे में समझते हैं तो पेड़ पे गिरने के पास क्या होता है उतनी सारे वोल्टेज होती है इसकी टेम्परेचर पे हद से ज़्यादा होता है जिसके कारण वो क्या होता है उसके अंदर की जो पानी होती है पेड़ के अंदर की जो पानी होती है उसको क्या करता है वाष्पीकरण करने लगता है जिससे क्या होता है वो ब्लास्ट कर जाता है विस्फोट हो जाता है फट जाता है जिससे वो क्या होता है उसके बाद से जब सूख जाएगा तो क्या होगा उसमें आग पकड़ लेगा अभी कुछ दिन पहले पवन ऊर्जा जो समुद्र किनारे लगाया जाता है पंखी में उस पर बिजली गिर गया जिससे आग लग जाता है तो बिजली गिरने से आग क्यों लग जाता है तो आपको पहले भी बता कि इसकी टेम्परेचर हाई होती है इसकी वोल्टेज हाई होती है जिसके कारण आग लग जाती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे क्या करते हैं कि बुर्ज जैसे दुबई के बुर्ज खलीफा पे उस पर क्या होगा कि लाइटनिंग आएगी बिजली क्या होगा उस पर गिरेगा तो कोई मतलब कोई नुकसान नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपना सिस्टम बनाया है, वो बहुत सारे डिवाइसेस लगाया हुआ है जिससे उस लाइटनिंग को क्या करेगा ब्रेक कर देगा तोड़ देगा और कोई नुकसान नहीं होगा तो जैसे प्लेन जाता है तो प्लेन पे भाई साहब लाइटनिंग होता है तो किसी को नुकसान नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारे एलुमिनियम फ्लेम की एक कोटेड स्प्रे होती है उस पर और बहुत सारे लेप चढ़ाए जाते हैं उसमें डिवाइसेस लगाया जाता है जिससे वो क्या करता है उस पर लाइटनिंग पर बिजली गिरने पर कोई असर नहीं करेगा क्योंकि उस पर अपना सिस्टम बनाया हुआ है उस क्योंकि एलमोनियम स्प्रे कोटेड होता है उस पर जिसके कारण और भी बहुत सारे उस पर कोटेड होता है जिससे वो क्या करेगा उससे मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है तो बड़े बड़े बिल्डिंगे में अपना बनाया जाता है वो अब जैसे अब क्या करिए आप एक तांबा की रॉड ले लीजिए या फिर जग ले लीजिए चाहे लोटा ले लीजिए खेत में रख दीजिए जिससे क्या होगा वो लाइटनिंग आएगा तो उसी पे आएगा सीधा उसी पे आएगा उसके बाद वहां से नष्ट कर देगा लाइटनिंग लाइटनिंग तो क्या होगा कि लोहे पे गिर जाएगा ठीक है खेतों में गिर सकता है पेड़ों पे गिर सकता है गाड़ियों पे गिर सकता है घर पे गिर सकता है तो इससे बचाव क्या क्या होना चाहिए तो आपको सबसे पहले लाइटनिंग हो बारिश हो बादल गर्ज है तो आपको घर में ही रहना चाहिए पक्के जगह पे कहीं चले पक्के की जो मकान हो वहाँ पे चले जाएं सूखे जगह पे चले जाएं पेड़ के नीचे एकदम न जाए ठीक है छत पे ना रहें या फिर ग्राउंड में न जाएं या फिर पेड़ के नीचे कभी भी ना no बैठे उस टाइम पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए अक्सर पेड़ के नीचे ही गिर जाता है ठीक है तो ये ये सारे कंडीशन है तो इतने घर लोग बनाते हैं लेकिन एक आप लाइटनिंग को रोक नहीं सकते तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि क्या हो कि लाइटनिंग उस पर पड़े उसके बाद से वो जा करके सीधा आप ज़मीन के अंदर चला जाए और आपके घर को नष्ट ना करे तो इससे बिहार में काफ़ी लोग सौ से ज़्यादा लोग हर साल मारे जाते हैं लाइटनिंग की वजह से तो आखिर मतलब इतनी सबको मालूम रहते हुए भी लोग लापरवाही कर देते थे जिससे काफ़ी लोग इसमें मारे जा सकते और अभी फिलहाल में ही आपको उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग मारे गए पच्चीस पच्चीस लोग अप्रोक्सली मे भी मतलब डेथ कर गए हैं बिजली के चमकने से बिजली के गिरने से तो बाइक पे या फिर कार पे तो वहाँ पे आप ही जाएँ और साइड में चले जाएँ तो ये ये कंडीशन है एक और क्वेश्चन है कि जैसे बिजली चमकता है पहले चमकता है उसके बाद से आवाज़ आती है तो क्यों आखिर क्या रीज़न है तो पहले चमकता है बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होगा फ्लैशिंग होगा उसके बाद से आवाज़ आती है तो इसकी क्या रीज़न है तो क्योंकि इसकी रीज़न एक ही आपको शॉर्ट फॉर्म में एक ही वर्ड्स में बता देते हैं क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल यानी कि लाइट की जो इस, इसकी चाल होती है यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं वायु प्रकाश की चाल यानी कि इसकी वैल्यू बता देते हैं थ्री इंटू टेन टू से पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है थ्री इंटू टेन टू से पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है क्योंकि बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण क्या होता है पहले लाइटनिंग होता है उसके बाद से आवाज़ आता है क्योंकि इस जो ध्वनि की ध्वनि का रेंज जो है कम है और प्रकाश में वाय यानी कि प्रकाश के जो चाल है वायु में प्रकाश की चाल यानी कि एयर में प्रकाश की जो चाल है लाइट की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है यानी कि थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड है जिसके कारण क्या होता है पहले लाइटनिंग दिखेगा उसके बाद से आवाज़ आएगा उतने वहां से आने के बाद से उसकी स्पीड भी तो देखा जाएगा तो पहले स्पीड जिसका ज़्यादा रहेगा वही आएगा ना तो एक वर्ड में कोई पूछ देगा कि बताइए कि आप लाइटनिंग जब होती है तो पहले चमकता है उसके बाद से आवाज़ क्यों आता है तो कहिए कि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है बस एक ही चीज़ बता दीजिएगा थ्री इंटू टेन टू ज पावर एट मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है जिसके कारण क्या होता है पहले लाइटनिंग उसके बाद से साउंड उत्पन्न होता है तो उम्मीद करके वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर ले शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ठीक है ओके बाय थैंक यू एंटॉल्यू टू